हेलो दोस्तों, कैसी हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बनाती हैं फ्रेंच बीन की सब्ज़ी। तो आप लोग भी सभी बनाते होंगे अपने अपने तरीके से। तो दोस्तों, मैं अपने तरीके से आज बना रही हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरा तरीका ये थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें 2 चम्मच तेल लिया है, और तेल लेने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मेरी रसोई पे मत जाइएगा, मेरी किचन बहुत ही छोटी है, साइडों में बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि सरकारी क्वार्टर आपको पता ही है कैसी होती हैं, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, बस टाइम पास करने हैं इसमें। तो दोस्तों, इसमें जब डाल दिया मैंने जीरा, और इसमें आप थोड़ी सी हींग डाल देंगे, और उसके बाद इसमें बाकी जो ये जिंजर और लहसुन का पेस्ट है जो, ये भी डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं ट्राईपोड पीछे रखती हूँ तो कुछ भी दिखता नहीं है, और साइड में रखती हूँ तो बिल्कुल ये सेल्फ के ऊपर ही रखा हुआ है, इसीलिए भी सिर्फ इतनी ही वीडियो बन पाती है। तो दोस्तों, जैसे भी है आप ऐसे ही मंजूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें मैंने मिर्च, हरी मिर्च डाल दिए, और साथ ही मैं इसके टमाटर डाल दूँगी, और साथ ही मैं प्याज डाल दूँगी, और इन तीनों को फिर अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक एक घी नहीं, तेल या घी जो भी आप डाल रहे हैं वो छूट नहीं जाता। तो इसको अच्छी तरह से भून लीजिएगा सिम पे करके गैस। तो इसको अच्छी तरह भूनने के बाद ही देखते हैं। और दोस्तों, आपका सपोर्ट थोड़ा सा कम मिल रहा है मेरे को, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप मेरे वीडियो देखा कीजिए। देखो, शुरू शुरू में तो किसी को भी इतना अच्छी तरह से नहीं आता, और धीरे धीरे ही सीखता है इंसान। तो मैं भी कोशिश करती हूँ भी अच्छे से अच्छा वीडियो डालने की कोशिश करूँ, पर दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा सा इसी तरह ही प्यार सत्कार देते रहिएगा, और आपके प्यार से ही थोड़ा सा हौसला मिलता है, तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, तो मेरा भी हौसला बढ़ता है, फिर मेरे को अच्छी मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियो डालने की। तो दोस्तों, ये देखिए मसाला भून चुका है, और इसमें अब बीन और आलू डाल दूँगी। आलू और बीन्स मैंने एक बार धो लिए हैं, और दूसरी बार मैं इसको इसमें पानी डाल के रख दूँगी, क्योंकि जो अपने हमने जो आलू काटे हैं ना, तो स्टार्च छोड़ने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से काले हो जाते हैं। तो इसके अंदर ही है पानी, इसमें से थोड़ा सा निचोड़ के और इसमें आलू और बीन्स डाल दूँगी, और ये देखिए फिर इसको अच्छी तरह से हिला लीजिए। और मैं मसाले जो बाद में ऐड करती हूँ, नमक डाल के एक बार, और आलू गलने के लिए, और बीन्स और आलू थोड़े से वो हो जाएंगे, गल जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा नमक डाल दूँगी पहले, ता जो ये आलू थोड़े पक जाएं, और उसके बाद ही मैं दूसरे मसाले ऐड करती हूँ लास्ट में। तो आप लोग किस तरह बनाते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और आज का आप मेरा तरीका कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब इसको हिला दीजिए अच्छी तरह से, बीन्स और आलू को, और हिला के, और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिए टेस्ट अनुसार, जितना भी आप खाना चाहें उतना। तो इसको फिर 5-7 मिनट के लिए ढक दीजिए, और ये आलू और बीन्स अच्छी तरह से पक जाएंगे, उसके बाद ऐड करते हैं मसाले दूसरे। तो दोस्तों, इसी तरह ही अपना प्यार और सत्कार देते रहिए, और मेरा वीडियो देखते रहिए, और किस तरह लगता है आपको वो भी कमेंट करके बताइएगा। थोड़े से मेरे को अभी मतलब कैमरे के सामने हिचकिचाहट होती है बोलने में। तो दोस्तों, अपना साथ इसी तरह ही देते रहिए, और दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में। और ये मेरी बन रही है आलू और बीन्स की सब्ज़ी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक भी हैप्पी, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। तो
बाय दोस्तों, बी हैप्पी।